हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए इनको सोल्व करते हैं। हमें पता करना है कि इसमें जो सेंटेंस हमें दिया हुआ है, इसमें कौन से पार्ट में एरर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन CSL SSC CSL 2021 में इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। डिस्पाइट ऑफ बींग ए क्लोज फ्रेंड, ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। डिस्पाइट ऑफ बींग ए क्लोज फ्रेंड, ही डिड नॉट हेल्प मी इन एनी वे। तो देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा आप, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं पे इसी पार्ट के अंदर एरर है। डिस्पाइट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। ये तो डिस्पाइट का होता है के अलावा, के बावजूद। इसके लिए डिस्पाइट के अलावा एक चीज़ और यूज होती है, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, यानी या तो डिस्पाइट का यूज करते हैं हम या इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा आप, डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ का यूज नहीं होगा। डिस्पाइट अकेला यूज होता है, अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेगा। तो इसी पार्ट में एरर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, डिस्पाइट बींग ए क्लोज फ्रेंड हो जाएगा, यानी ऑफ हट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन बट नाइदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोबरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो द पुलिस क्या है, प्लुरल नाउन है, इसके साथ वी टू यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। अगर टू यंग मैन के बाद प्लुरल नाउन का जगह सही यूज हुआ है, बट कंजक्शन का यूज हुआ है। नाइदर ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल नाउन का यूज होगा या प्लुरल प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहां पर देम क्या है, प्लुरल प्रोनाउन है, सही यूज हुआ है। वर नहीं आएगा यहां पर, यहां पर वाज आएगा। वर्न आकर क्या आएगा, वाज आएगा। वाज क्यों आएगा, अब देखिए, नाइदर ऑफ के बाद या फिर आइदर ऑफ के बाद, ठीक है, इन दोनों के बाद चाहे नाउन प्लुरल हो या प्रोनाउन प्लुरल हो, जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगल ही आएगा। तो यहां पर वर्न यूज होकर वाज यूज होगा। ठीक है, तो इसी पार्ट में एरर है। तो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इफ यू रेंट ए हाउस नियर योर ऑफिस, इट विल सेव यू टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। ठीक है, अब देखिए, सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में हमने तीन काइंड्स पढ़े थे, कि पहला होगा जो इफ वाला जो सेंटेंस होगा, इफ के साथ जो सेंटेंस होगा वो हमेशा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और उसके आगे वाला जो सेंटेंस ये वाला होगा ये किस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि ये वाला टेंस है ये किस में होगा, पास्ट टेंस में हो, यानी सिंपल पास्ट टेंस में हो, यानी वी टू का यूज हुआ हो। तो ये वाला कौन सा होगा, वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन हमने देखी थी कि ये वाला क्या हो, कि हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें पहले वाला केस है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज इसमें हुआ है, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, तो ये तो सही है। लेकिन एज वेल एज ऑल्सो, देखिए एज वेल एज भी क्या है, कंजक्शन है, और ऑल्सो भी क्या है, कंजक्शन है। तो दो कंजक्शन का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे, तो यहां पर हम ऑल्सो को हटा देंगे। ठीक है, तो इसी पार्ट में एरर है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आएगा, यानी इसमें से ऑल्सो हट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नोट विद स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, वी हैड टू कैंसिल आवर आउटिंग। आउटिंग मीन्स बाहर जाने का जो प्लान था उसको कैंसिल करना पड़ा। देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पर कंजक्शन है। नॉट विद स्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है, डिस्पाइट का अर्थ रखता है। ठीक है, डिस्पाइट, डिस्पाइट का क्या अर्थ होता है, के बावजूद। तो डिस्पाइट का क्या अर्थ रखता है, नॉट विद स्टैंडिंग, यानी सेंटेंस का अर्थ कैसा होगा। देखिए, डिस्पाइट एंड के बावजूद वी वेयर ऑल बिजी दैट वीकेंड, डिस्पाइट की हम उस वीकेंड बिजी थे, हमने अब बाहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। तो इस टुक सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर सही कंजक्शन यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम करेंगे बिकॉज। बिकॉज क्या है, बिकॉज कंजक्शन एक ऐसा कंजक्शन जो कारण बताता है। बिकॉज वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, क्योंकि हम उस वीकेंड में बिजी थे इसलिए हमने बाहर जाने का जो प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नोट विद स्टैंडिंग यूज कर कौन सा कंजक्शन यूज होगा, बिकॉज यूज होगा। बिकॉज कंजक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसी पार्ट में एरर है, जिसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हेन आई वाज एट स्कूल आई फाउंड माय क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर, एज शी ऑलवेज हैव टाइम टू लिसन एंड गाइड। ठीक है,
व्हेन आई वॉज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई फाउंड माई क्लास टीचर टू बी द बेस्ट मेंटर एज सी ऑलवेज हैव टाइम। देखिए पूरा जो सेंटेंस है ये भी पास्ट टेंस में है, और यहाँ पर ही फाउंड यूज हुआ है, विद टू का यूज हुआ है, ये भी पास्ट टेंस में है। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है इसने किस में दे रखा है, इसने प्रेजेंट में दे रखा है, तो ये प्रेजेंट में ना होगा, ये भी पास्ट में होगा, तो इसको हैव को किस में चेंज कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इसी पार्ट में एर है, जो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द टीचर एंड हर स्टूडेंट वाज इंगेज इन ए डिस्कशन ऑन द करंट पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, देखिए टीचर है एक तो, और एक हर स्टूडेंट है, यानी दो अलग अलग नाउन है, मींस दो पर्सन हो गए, यानी पुलर नाउन हो गया, तो इसके साथ पुलर वर्ब का यूज होगा, ना कि सिंगल वर्ब का, तो यहाँ पर वर आएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, तो यहाँ पर वर आएगा ना कि वाज, तो इसी पार्ट में एर है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर वाज के स्थान पर क्या आएगा, वर। एक चीज याद रखिएगा, इंगेज के बाद हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, माई ब्रोदर लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन बट ही हैड गोट ए न्यू जॉब नाउ। ठीक है, अब देखिए माई ब्रोदर लॉस्ट, यानी वी टू सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन सही यूज हुआ है, बट ही हैड गोट ए न्यू जॉब नाउ, यानी यहाँ पर नाउ दे रखा है। ठीक है, और ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। नाउ सेंटेंस मीन्स अब की बात कर रहा है, प्रेजेंट की वो बात कर रहा है। नाउ वर्ड आपको जब कहीं भी दिख जाए, जहाँ कहीं भी सेंटेंस में दिखे, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, तो यहाँ पर हैड ना होकर हैव का यूज हो जाएगा, हैव गोट। ठीक है, देखिए नाउ वर्ड, येट वर्ड, रिसेंटली वर्ड आपको कहीं भी दिखे, तो वहां पर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको यूज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हेड के स्थान पर हैव आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, एवरी पार्टिसिपेंट गेव सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट इट बिकम डिफिकल्ट टू चूज द विनर। अब देखिए एवरी पार्टिसिपेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके साथ गेव का यूज हुआ है, मीन्स सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट। देखिए कंजक्शन सो है, या तो कंजक्शन सो दैट का जोड़ के रूप में यूज होता है, हमें पता है, या एक होता है सच दैट, सच दैट का भी यूज होता है कंजक्शन जोड़े के रूप में, तो यहाँ पर सो दैट करना होगा, सच दैट का यूज होगा, क्योंकि डिग्री को हमेशा व्यक्त करने के लिए हम किसका, सच का यूज करेंगे, तो सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर यूज होगा, यानी जो एग्जैक्ट जो सही सेंटेंस होगा वो होगा, एवरी पार्टिसिपेंट गेव सच एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दैट इट बिकम डिफिकल्ट टू चूज द विनर। आउटस्टैंडिंग का जो पहला जो वर्ड है वो वोवल का उच्चारण दे रहे, तो हमने एन का यूज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर से दैट होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव देन हॉस्पिटलाइज इन केस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर क्या है, पुलर नाउन, उसके साथ से क्या है, पुलर वर्ब का यूज हुआ, सही यूज हुआ, दैट होम आइसोलेशन इज फार मोर इफेक्टिव देन, यानी कॉम्पिटेटिव डिग्री का यूज हुआ है, मोर के बाद देन यूज हो रहा है, सही यूज हुआ है, हॉस्पिटलाइज नहीं होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आइसोलेशन नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, हॉस्पिटलाइज नहीं होगी, हॉस्पिटलाइज क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो यहाँ पर भी नाउन आएगा, क्योंकि आइसोलेशन क्या है, नाउन है, यानी जो कॉम्पिटेटिव डिग्री है उसके पहले किसका यूज हो रहा है, नाउन का यूज हो रहा है, तो उसके बाद भी नाउन का यूज होगा, तो यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो, सी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इट इज मेड ए हुज प्रॉफिट दैट ईयर। ठीक है, सी मैनेज द कंपनी, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। ठीक है, सो वेल या कंजक्शन है, दैट इट इज मेड, इट इज मेड नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस किसमें, पास्ट में है, तो इट इज हट जाएगा, मेड हो जाएगा, तो एग्जैक्ट जो सही सेंटेंस होगा वो ऐसा होगा, सी मैनेज द कंपनी सो वेल दैट इज हटा देंगे, इट मेड ए हुज प्रॉफिट दैट ईयर, तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यहाँ पर इज हट जाएगा। ठीक है, पास्ट में हुई हो जाएगा ये सेंटेंस भी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ही विल बी लिविंग होम एट 8 AM टू बीटिंग दी ऑफिस रशोवर। ठीक है, तो ही विल बी लिविंग, यानी किसका यूज हो रहा है, फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है, 8 AM बिल्कुल सही यूज हुआ है, टू बीट नहीं होगा, देखिए टू के साथ हमेशा मुख्य होगी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, कभी भी जीरेंड का यूज नहीं होता है, टू प्लस मुख्य होगी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है,
तो टू बीटिंग के स्थान पर टू बीट हो जाएगा, तो इसी पार्ट में एरर है, जो इसका आंसर होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड ओवर टाइम प्ले ऑनलाइन गेम एज वी विल नॉट गो आउट ऑन वेकेशन दिस ईयर। ठीक है, तो वी हैव डिसाइडेड टू स्पेंड ओवर टाइम, प्ले ना होकर यहाँ पर क्या आएगा, प्लेइंग होगा, यहाँ पर जिरेंड का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर प्ले ना होकर क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। तो इसी ऑप्शन में यही ऑप्शन इसका आंसर होगा, यहाँ पर प्ले के स्थान पर प्लेइंग होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द प्राइम मिनिस्टर चेयर ए हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। यानी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि जो कोविड वैक्सीन की सिचुएशन है उसको रिव्यू करने के लिए हाई मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग की, यानी पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर चेयर ना होकर चेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा, चेयर्ड यहाँ पर यूज हो जाएगा। तो इसी पार्ट में एर है, जो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर कर चुके हैं, तो यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज करेंगे हम, यहाँ पर चेयर्ड आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आई एम गोइंग टू होम सून आफ्टर द प्रोग्राम गेट्स ओवर। ठीक है, अब देखिए आई आई क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद एम के साथ यानी सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के इसमें यूज हुआ है टू होम। एक चीज़ याद रखिएगा, होम के पहले कभी भी हम टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, उस कंडीशन में जब होम का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर होम का और यूज है एडवर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर होम है तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन हटा देंगे। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में आएगा, इसको याद रखिएगा, होम अपने बाद टू प्रीपोजिशन कभी नहीं लेगा, इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स।